सुरेश राठखेड़ा ने 12 ग्रामीण क्षेत्रों में किया जोरदार जनसंपर्क। बड़ी खबर शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र से है। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राठखेड़ा द्वारा जनसंपर्क का बिगुल बजा दिया गया है, जहां लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि उनके द्वारा ग्राम जौराई, गाजगढ़, धौरिया, बरोद, रासहरा, जरिया खोर्दे, मरौरा, खालसा, झालवासा, सेगाड़ा, भद्रौनी, झिरी, जामको और ग्राम आरकुसी में जनसंपर्क किया जा रहा है। और साथ ही भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा ने सभी पोहरी विधानसभा के लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का भरोसा जताया कि मेरे द्वारा दिए गए वादों पर मैं खरा उतरूंगा। मुझे जो भी गलतियां हुई हैं मुझे क्षमा करें, आगे से कोई गलती कभी नहीं होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा का जोरदार स्वागत किया गया और ढोल नगाड़े बजाकर और फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत करते हुए लोग अपने प्रत्याशी का समर्थन करने में लग गए हैं। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको धन्यवाद। और मीडिया हमें यदि दो चश्मा देखते हैं तो मीडिया चार चश्मा देखती है। मीडिया सब जानती है, आप देख रहे हो पब्लिक का किस तरह रुझान मेरे साथ है, कार्यकर्ता किस तरह मेरे साथ चला और मेरे परिवार के सदस्य किस तरह मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये आप सब देख रहे हो। हजारों सैकड़ों आदमी मेरे साथ चला, फूल बरसा से मेरा स्वागत और मान सम्मान कर रहे हैं। ये स्वागत मेरा नहीं है, इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का ये स्वागत है, हमारे राष्ट्रीय नेता संत महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी का स्वागत है, क्योंकि यहाँ पोहरी ने ये ठाना है कि इस बार 30 बार हम करेंगे। पहला चुनाव मुझे इस पब्लिक ने, इस जनता ने, इस परिवार ने 8,000 से जिताया। जब मैं दूसरा चुनाव लड़ने आया तो ये परिवार के लोगों ने 26,000 वोटों से मुझे चुनाव जिताया। अब की पूर्ण मुझे उम्मीद और विश्वास है कि हम 30 बार करेंगे। तो आज आपने किस किस गांव में जनसंपर्क किया? देखो आज मेरा आज चौथा गाँव है। सबसे पहले मैं गाजीगढ़ में गया, धौरिया में गया, जौराई में गया और बरोद में गया। आज मेरा 12 गाँव का दौड़ा है और इसी तरह मुझे लोगों का उत्साह मिल रहा है और रात के 11-12 बजे तक मैं रोज कार्यक्रम मैंने डलते हैं और रोज मैं